हेलो अमेजिंग पीपल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। खुश तो बहुत होंगे आप, और अगर नहीं है तो डोंट वरी, मैं आ गया हूँ, आपका भाई, आपका दोस्त, मैं आपको खुश कर दूंगा। तो आप सभी को जय झूलेलाल, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो और जय भीम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, ऑरेंज फीवर। व्लॉग शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच, थैंक्स टू एवरी वन। हमारी यूट्यूब फैमिली 100+ हो गई है। थैंक यू जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया। ऐसे ही कीप ब्लेसिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। जो फैमिली, जैसे आपने थंबनेल में देखा है, आज सेंट मार्टिन में है दो शिप, क्रूज शिप, और दोनों बड़ी हार्मनी और द सेलिब्रिटी इक्विनॉक्स दोनों डॉक हो रही आ रही हैं। ये देखिए तैयारियां हो रही है, अम्ब्रेला लग रही है, आइलैंड आज सुपर बिजी होने वाला है। गाइस, लास्ट टाइम मैंने आपको पोर्ट के अंदर का व्यू दिखाया था, ये है पोर्ट के बाहर का व्यू, आई मीन एंट्रेंस कैसा दिखता है शुरुआत में। देखिए यहाँ से शुरू होता है पोर्ट सेंट मार्टिन का, एकदम नीट और क्लीन। देखिए एक भी पेपर वेपर कुछ नहीं दिखेगा आपको, साफ सुथरा। यहाँ पे देखिए ये एंटर हो रहा है, ये एंट्रेंस है, यहाँ पे नाम लिखा है शिप पोर्ट का, डॉक्टर सीवेल कार्गोस क्रूज फैसिलिटीज, यहाँ पे ऐसी शुरुआत होती है। और यूट्यूब फैमिली, जैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो पोर्ट है इसमें कोई भी बाहर गया, आई मीन सेंट मार्टिन के जो लोकल पीपल हैं वो अलाउड नहीं है, अंदर नहीं आ सकते हैं, ये गवर्नमेंट के अंदर आता है। यहाँ पे सिर्फ वही लोग जो पोर्ट पे काम करते हैं या जो शिप से रिलेटेड कुछ काम होगा वो ही अंदर आ सकते हैं। ये सिक्योरिटी पॉइंट है, देखिए गाइस, इसमें आपको चेक करना पड़ता है, अपना पास दिखाना पड़ता है। ऑल गुड ब्रो। हाँ, फिर आपको एंट्री मिलती है यहाँ पे। ये देखिए ऐसा दिखता है स्टार्टिंग में पोर्ट, अभी तो क्वाइट, अभी पब्लिक उतरी नहीं है, पैसेंजर्स आए नहीं हैं, अभी डॉक हुई है, अभी थोड़ी देर में ये पूरा क्राउडेड हो जाएगा, पूरा पब्लिक से भर जाएगा। सनी डे, एकदम पाम ट्री, एकदम सनी डे, अच्छा दिन है टूरिस्ट के लिए, अमेरिकन्स आते ही इसीलिए हैं, बीच के लिए और धूप सेकने के लिए उनको अच्छा लगता है। ये टैक्सी स्टैंड है गाइस, ये टैक्सी यहाँ खड़ी है, अभी सब लोग उतरेंगे, अपनी अपनी टैक्सी बुक करेंगे, कुछ लोगों ने ऑलरेडी बुक की होगी, कुछ बीच पे जाएंगे, कुछ शॉपिंग के लिए जाएंगे, कुछ खाना खाने जाएंगे, सब एंजॉय करेंगे डे और शाम को वापस चले जाएंगे। आज टैक्सी वाले बिजी होने वाले हैं, कम से कम 8,000 पब्लिक आएगी आई थिंक दोनों शिप में मिला के। ये है गाइस हार्मनी ऑफ द सी, थर्ड लार्जेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, और ये है सेलिब्रिटी इक्विनॉक्स। एकदम क्लोज अप व्यू दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल सामने से क्या लग रही है, देखिए कितनी बड़ी ब्लू आकाश, देखिए एक ही फ्रेम में दोनों, बहुत ही बड़ी है। दोनों डॉक हो गई है, बस अभी पैसेंजर उतरेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे देखिए ये गाइस पीछे का पोर्ट का एरिया है, यहाँ पे कैसी कैसी शॉप्स है देखिए आप। तो गाइस जैसे मैं आपको बता रहा था, हार्मनी ऑफ द सी ये ओएसएस के अंडर आती हैं और ये बिल्ट हुई थी फ्रांस में। ये वर्ल्ड की थर्ड लार्ज पैसेंजर शिप है और हार्मनी लॉन्गेस्ट क्रूज शिप इन द वर्ल्ड है। इसकी सिस्टर है सिंपनी ऑफ द सी, वो भी आती है हमारे पोर्ट पे, मैं उसका भी एक दिन वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। और इसको ऑपरेट करते हैं रॉयल कैरेबियन, ओनर भी हैं इनके रॉयल कैरेबियन। इसकी कैपेसिटी है 5,479 पैसेंजर विद द डबल ऑक्यूपेंसी, और जो क्रू है अंदर काम करता है वो है 2,300 कैपेसिटी। इसकी कॉस्ट होगी US$1.35 बिलियन इन 2015 में रिकॉर्ड हुई थी। यह है टेबल क्लॉथ गाइस, लास्ट शॉप ऑफ पोर्ट की है एकदम। यहाँ पे सब अमेरिकन्स आते हैं अपने घर को सजाने के लिए सामान लेके जाते हैं। ये भी इंडियन की है, इंडियन फैमिली है ये, उनकी शॉप है ये। ये एकदम लास्ट में आती है टेबल क्लॉथ, घर के सजावट के सामान मिलते हैं यहाँ पे है, शॉपिंग करें। अभी काफ़ी कम लोग दिखेंगे आपको क्योंकि काफ़ी बीच पे गए होंगे, थोड़ा क्राउड कम है अभी, पर थोड़ा थोड़ा है, अभी आएंगे धीरे धीरे, ये फैमिलीज़ हैं। और जो नेक्स्ट है गाइस सेलिब्रिटी इक्विनॉक्स, वो भी रॉयल कैरेबियन के अंडर आती है, लेकिन उसको ऑपरेट करते हैं सेलिब्रिटी क्रूज लाइन करते हैं, और वो बिल्ड हुई थी जर्मनी में, और उसकी कॉस्ट है 750 मिलियन, और उसकी कैपेसिटी है 2,850 पैसेंजर और क्रू 1,250 कैपेसिटी। ये देखिए शॉप्स है गाइस, ऐसी शॉप्स होती है, पीछे भेजते हैं। ये एक मेरा फ्रेंड है, उसकी यूनिक कुछ डिफरेंट आइटम्स बनाता है, देखिए मैं उसको बोलता हूँ आपको बताएगा ये क्या चीज़ है।
सुनिएगा उसको। Say hi. You want to say something? Yeah, everything here on the table is made from a nut. It's made from this, the Tagwan nut. It's a nut that's found on a tropical palm tree like this, inside of a fruit. This is the fruit here. We take the nut from the fruit when the nut is soft and edible, then we sun dry the nut for 3 to 6 months. It becomes like a rock, and then each nut's hand carved and polished into pieces you see here. Thank you, bro. Don't copy me. ये कुछ सनग्लासेस की शॉप है, काफी बिजनेस है यहाँ पे, छोटे बिजनेस भी है, बड़े बिजनेस भी है अंदर क्रूज शिप के। यहाँ पे पोर्ट पे ये ज्वेलरीज हैं जो आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, ये ज्वेलरीज है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं यहाँ पे, ज्वेलरीज की काफ़ी दुकानें हैं, 8-10 दुकानें होंगी ज्वेलरी यहाँ पे। मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था, बहुत लेने आते हैं डायमंड, क्वीन डायमंड्स, ये क्रॉक्स करके ब्रांड है उसका है। छोटा सा बार है अंदर, यहाँ पे बैठ के ड्रिंक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं लोग। शिप रोज सुबह आती है, मॉर्निंग में डॉक होती है और शाम को उसको निकलना होता है, शाम को वो चली जाती है क्योंकि उसको नेक्स्ट दिन नेक्स्ट पोर्ट पे जाना पड़ता है। इनका आइटनरी बना होता है कि कितने दिन का आपको, 7 डेज का है आपकी जो शिप है क्रूज लाइन में, उसमें 7 दिन घुमाएंगे कुछ लोग, यानी डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो ये देखिए पब्लिक, ये पूरी बस में है, बस भी जैसे मैंने कुछ लोग, मैंने आपको बताया था ये सब ऑनलाइन बुक करके आते हैं, इनका ऑलरेडी सब है कि कहाँ जाना है, स्नॉकलिंग करने जाना है, पैराग्लाइडिंग। ये एक बढ़िया डॉग आया था आज पोर्ट पे, बहुत ही क्यूट लग रहा था। ये म्यूजिक का रखा गया, 2 बड़ी शिप्स हैं उसके लिए, बच्चे लोकल बच्चे होंगे, उन्होंने प्ले किया है। तो सब जाने की तैयारी कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं और हम भी जाने की तैयारी करते हैं। तो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप कुछ भी अच्छा लगा है वीडियो में तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ, नेबर्स के साथ शेयर करिए। गाइज आई नीड योर सपोर्ट, थैंक यू गाइज। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बी सेफ, टेक केयर, एंजॉय विथ योर फैमिली। बाय गाइज।